और भाइयों कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? आई होप सब ठीक हो। और यार वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक बटन को क्लिक कर दिया करो, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया था, साम्स वर्सेस स्टेरॉइड सीरीज मेरे चैनल पे चल रही है एंड दिस इज थर्ड एपिसोड। पहले एपिसोड में मैंने इंट्रो दिया था, सेकेंड एपिसोड में मैंने टेस्टोस्टेरोन को पूरा एक्सप्लेन किया। आप नई वीडियो देखी, चैनल विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और आज का एपिसोड है LGD4033, दैट इज साम सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर वर्सेस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन में हर एक एस्टर की बात कर रहा हूँ, साइपोनेट, एनन्थेट, फिनाइल प्रोपोनेट, प्रोपोनेट, एवरी काइंड ऑफ एस्टर, ठीक है? बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है और प्लस आपको कौन सा किससे रिसर्च करनी चाहिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग फिटनेस लाइफस्टाइल में हैं। आपको स्टेरॉइड यूज़ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या फिर आपको साम की तरफ जाना चाहिए। आप परस्पेक्टिव बना लेंगे, अपना वीडियो को पूरा देखें, आपको अपना परस्पेक्टिव ज़रूर मिलेगा। वेलकम बैक। मेरे माइक का वो मिल नहीं रहा, मैं माइक पकड़ा हुआ है और लाइटनिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, बट बेयर करना, ठीक है? देखो, साम्स सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मैंने जैसे कि मैंने साम्स की पूरी सीरीज बनाई हुई है, पूरे हर एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, ठीक है? और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अगर किसी को करनी है और व्लॉग्स देखने, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने दूसरे चैनल का, ठीक है? और अब एनाबॉलिक्स का भी एक एक कंपाउंड प्लस साथ साथ में उसका कंपेयर होते जाएगा साम से। LGD4033 इस काइंड ऑफ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको अपना हेयर लॉस नहीं चाहिए, जिनको उनका गाइनोकेमिस्ट्री नहीं चाहिए, जिनको ऑयली स्किन नहीं चाहिए, वो लोग जा सकते हैं। बट हर दोनों चीज़ों के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टोस्टेरोन एंड ऑफकोर्स LGD4033। अब टेस्टोस्टेरोन का इसमें एक फायदा मैं आपको बताता हूँ। टेस्टोस्टेरोन बहुत टाइम से है मार्केट, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था टेस्टोस्टेरोन का, उसमें पूरा बताया था कि कब आया था कब नहीं, वो वीडियो देख लो अगर नहीं देखी। टेस्टोस्टेरोन काफ़ी टाइम से है मार्केट में, रिसर्च्ड केमिकल है, ठीक है? तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं TRT, जैसे कि मैंने बताया था। बट LGD इट्स अ साम जो सभी यूज़ नहीं करते, बहुत ही रिसर्च पर्पसेस के लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं। मैंने अपनी LGD4033 की ट्रांसफॉर्मेशन की है, चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। मैं तो हर साल मतलब एक साइकिल तो करता ही हूँ साम का, तो अब ये मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड साइकिल था। लास्ट ईयर भी मैंने साइकिल किया था, इस बार मैंने बिल्कुल लो डोज पे किया एंड बॉडी रिकॉम्पोजिशन की, जिसमें मैंने मसल मास ज़्यादा गेन नहीं किया एंड बॉडी शेप में लाई, दैट्स इट। क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी बकचोदी हो रही थी, समझ रहे हो? अब मैं बताता हूँ, टेस्टोस्टेरोन आप वो लोग ले सकते हैं जिनको एक तो इंजेक्शन से डर नहीं लगता, ठीक है? वो ले सकते हैं। LED वो लोग ले सकते हैं। अब मैं आप दोनों के कॉन्स बताता हूँ। देखो गाइस, आपका लिपिड पैनल दोनों ख़राब करेंगे, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज़्यादा करेगा, LED थोड़ी कम करेगी, ठीक है? बट करेंगे। लिवर एंजाइम दोनों आपके थोड़ा एलिवेट करेंगे। अगर इस लाइन में आ रहे हो, या थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट अ वरी। साइड पे आप सप्लीमेंटेशन आपकी प्रॉपर चल रही है, आपको कभी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अब LED से हेयर फॉल नहीं होता, ऑयली स्किन नहीं होती, ऐसा एनिकडोटल और मेरा भी एक्सपीरियंस है और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होता है। बट किसी को अगर हो जाए दैन मे बी हो सकता है, बट 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता। बट टेस्टोस्टेरोन के केस में भी आपकी अगर जेनेटिक्स में हेयर फॉल है, अगर आपकी जेनेटिक्स पहले जो दादा वगैरह जो हैं, दादा बाप वगैरह अगर वो गंजे थे, तो डेफिनेटली आपको भी हो सकते हैं, ऑयली स्किन हो सकती है। गाइनोकेमिस्ट्री या वो बहुत हाई डोजेस पे होता है, मैंने पिछले वीडियो में डोजेज बताई थी, बिल्कुल कम में भी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इट डिपेंड्स, बट इंजेक्शन आपको फ्रिक्वेंसी लेनी पड़ेगी। अब दोनों का काम सेम है, वाटर होल्ड LGD भी करती है इंट्रामस्कुलर, और टेस्टोस्टेरोन भी करेगा। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन आपका बहुत बढ़ा देगा, LGD आपका एस्ट्रोजन नहीं बढ़ाएगी। ये एक प्लस पॉइंट है LGD का। अब गेन्स की बात कर लेते हैं, दोनों में कितने गेन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा टेस्टोस्टेरोन से ऑफकोर्स आपको गेन्स थोड़े ज़्यादा आएंगे, बट LGD भी कम नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली डाइट वर्कआउट के साथ यूज़ की, तो LGD से आप, अगर आप बल्किंग कर रहे हैं, जो कि मैं मुझे पसंद नहीं है, बट अगर आप बल्किंग करना चाहते हैं तो
डेफिनेटली आप ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, राइट। बट पीसीटी दोनों को करनी है, और पीसीटी की वीडियो भी मेरे चैनल पे है किस तरह पीसीटी करनी है। गेन्स को भी पूरे आप 99% तो नहीं बोलूँगा, 95% गेन्स आप अपने मेंटेन कर सकते हैं अगर आपको पीसीटी प्रॉपर पता हो तो, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया इनमें दोनों का जो फंक्शन है। अब आप खुद अपना पर्सपेक्टिव बनाए। देखिए लीवर अपना HDL LDL ये दोनों चीज़ें ख़राब करेंगी, बट जो आपका एंड्रोजन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें हेयर फॉल, ऑयली स्किन, गायनोकेमिस्ट्री, वो LGD में नहीं आते बट टेस्टोस्टेरोन में आते हैं। सो आप दोनों को देखें और अपना पर्सपेक्टिव बनाएं। बट इन टर्म्स ऑफ गेन्स, इन टर्म्स ऑफ वो वर्क कैसे करता है, इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि ये वर्क सेम करते हैं, राइट। साम्स सेलेक्टिव एंड्रोजन पे बैठते हैं, टेस्टोस्टेरोन आपका ओवरऑल एंड्रोजन पे बैठेगा। सो 100:100 रेशियो जो है टेस्टोस्टेरोन की और एनाबॉलिक टू एंड्रोजन, और LGD की जो रेशियो है दैट इज 100:1। सो दिस इज़ द डिफरेंस, ओके। सो आप अपना पर्सपेक्टिव बनाए, आपको किससे रिसर्च करनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका मन बन चुका है, तो किसी कोच के अंडर गाइडेंस ले। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा स्क्रीन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके मुझे फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड जेन्युइन प्रोडक्ट्स अगर बाय करने, सप्लीमेंटेशन आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे वहाँ DM करें, ओके। एंड टिल देन स्टे सेक्सी।